गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एक सीरम का रिव्यू। एंड आप ये मेकअप लुक ने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है तो आप देख सकते हैं ये चैनल। सो उसमें मैंने एक सीरम यूज़ करा था एंड वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट था। सो मैं आप लोगों के साथ आज उसका रिव्यू शेयर करूँगी। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास है स्नेल म्यूसिन, ये है पर्पल का इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। ये हाइड्रेटिंग है, एंटी एक्ने है, नॉन स्टिकी है एंड कोलाजन प्रोडक्शन है, लाइट वेट है एंड वीगन है। एंड गाइस आपका इसका जो प्राइस है वो है MRP ₹549 एंड आपको इजीली डिस्काउंट प्राइस में 25% ऑफ में मिल जाएगा एंड ये 412 का आपको मिल जाएगा। एंड गाइस इसमें ना बहुत लाइट वेट टेक्सचर है इसका एंड जो स्नेल म्यूसिन होता है, येस इट इज़ द स्लिमी सेक्रीशन ऑफ अ स्नेल एंड दिस इज अ गुडनेस ऑफ नोन फॉर अ ग्रेट मिस्टेकर। एंड जो स्नेल म्यूसिन होता है ना, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, अच्छे से रिपेयर करेगा। एंड इसमें जो HA and GA टू गिव योर स्किन द होपिंग डज ऑफ इलास्टिसिटी एंड हाइड्रेशन। सो गाइस ये इसकी पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई थी, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। स्नेल म्यूसिन इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम लिखा है इसमें, ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। एंड इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ भी ये है कि ऐसे आपकी पैकेजिंग में आपको मिलेगा, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। एंड आपको यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि स्नेल योर वे टू डूई स्किन इफ़ यू आर इनटू स्नेल म्यूसिन, देन द पर्पल स्नेल म्यूसिन इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम इज़ हियर टू फुलफिल योर स्किन नीड्स। आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन अगर हाइड्रेट नहीं है तो। एंड इसमें लिखा है ये लाइट वेट सीरम है एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन स्किन लविंग स्नेल स्लाइम विच डीपली हाइड्रेट्स नरिशेस एंड रिप्लेनिशेस द स्किन। एंड इनका हीरो इंग्रेडिएंट यहाँ पे स्नेल म्यूसिन ही है एंड इसका जो बेनिफिट है वो है रिपेयर डैमेज स्किन, लीव स्किन प्लम्प एंड हाइड्रेटेड एंड ऑल्सो इम्प्रूव योर स्किन इलास्टिसिटी एंड ये अल्ट्रा लाइट वेट है। एंड यहाँ पे ना सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हुए हैं एंड क्या क्या मिक्सचर इसमें डाला हुआ है। एंड आपको ना इसको 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है इसकी एंड आप इजिली इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेली में भी यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे 30 ml की क्वान्टिटी मिलती है, सो दैट्स गुड। एंड ये वीगन है एंड इसमें ना आपको क्या करना है, डायरेक्शन वो यूज़ में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 to 3 drops लेने हैं अपने पाम में एंड अच्छे से डॉट डॉट मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना है। देन इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है अपने फेस पे जब तक ये कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व नहीं हो जाता है, आपको जब तक मसाज करना है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप इसे पैच टेस्ट कर लें यूज़ करने से पहले, अगर आपने इसे बाय किया है पहले आप इसे पैच टेस्ट करें अपने स्किन पे, देन आप इसे यूज़ करें अपने फुल फेस पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसमें ना इट ऑल्सो मीन्स मेंटेन योर स्किन नेचुरल pH बैलेंस एंड pH लेवल आपकी स्किन को अच्छे से रखता है। सो गाइस आपको अंदर एक कांच की बॉटल मिलती है ऐसी एंड ये पंप जैसा टेक्सचर है इसका, सो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपको आपको कैसे प्रोडक्ट निकालना है। एंड इसमें ना यहाँ पे भी लिखा है डायरेक्शन ऑफ अ यूज़ एंड इसमें मैन्युफैक्चर हर चीज़ लिखी है जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में लिखी थी। एंड डायरेक्शन अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो अब मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाऊंगी, बहुत लाइट वेट टेक्स्चर है, इतना मतलब लाइट वेट लगा मुझे। एंड जिन जिनकी ड्राई स्किन है वो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं ये वाला सीरम। एंड मैं अच्छे से इसे ओपन करूँगी एंड आप देख सकते हैं कांच की बॉटल है तो आप थोड़ा देख के संभाल के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसका जो जैसा वाइट टेक्स्चर होता है ना, बिल्कुल वैसा इसका टेक्स्चर था। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कि कैसे मुझे लगा। सो मैं ओनली 2 to 3 drops अपने पाम में डालूंगी एंड इसे थोड़ा सा मसाज करूंगी। आपको ना ऑलरेडी से 2 to 3 minutes लगेंगे मसाज करने में एंड मैं इसे लाइट वेट टेक्सचर में से मसाज करूंगी। ये एंड ये बिल्कुल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्यूई कर देता है। एंड विंटर सीजन में आप लोग को सीरम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो आप लोग ज़रूर सीरम अप्लाई करें अपने फेस पे। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सीरम। सो गाइस सबसे पहले मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया था एंड देन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी टोनर, बिकॉज टोनर अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। देन मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे गुड वाइब्स का जेल है, ये नीम एंड तुलसी जेल है। अगर आपको जेल अप्लाई करना है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करना तो नहीं करिए, बट मैंने अप्लाई करा है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये है स्नेल म्यूसिन का इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम एंड अच्छे से मैं इसे ओपन करके 2 to 3 drops लूँगी। एंड अब इसका टेक्स्चर देखिए, बिल्कुल लाइट वेट एंड नी टेक्स्चर है इसका बिल्कुल। एंड देन मैं इसे 2 to 3 drops अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, अपने थोड़े चीक्स पे, फोरहेड पे एंड थोड़ा सा चिन पे एंड थोड़ा नोज़ पे एंड अच्छे से इसे ना सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करूँगी दोनों हैंड से। आपको अच्छे से मसाज करेंगे ना, उससे ज़्यादा अच्छे से आपका जो स्किन में ड्यूई फिनिश होगा वो अच्छे से ऑब्जॉर्व होगा आपकी स्किन में। सो अच्छे से मसाज करने के बाद
मैं इसे नेक पे भी अप्लाई करूँगी एंड आप देख सकते हैं कितना ग्लोई एंड बहुत प्यारा टेक्सचर आ रहा है। एंड जिनकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप वाले लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो आया है एंड बहुत अच्छी लग रही है स्किन। सो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी ये वाला स्नेल म्यूसिन का पर्पल का इंस्टेंट हाइड्रेशन सीरम। एंड इनके और भी टेक्सचर वाले हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, बट या मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरम। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइज़।